गुड आफ्टरनून एवरीवन, टुडे वी हैव विद अस राकेश डेविड सर फ्रॉम श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाउ आर यू सर? हाँ ओके ओके सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, आपको ऐसा क्या चीज है जो जोड़े रखती है एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपको? हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना? यस सर। हाँ हाँ सर, आपको क्या ऐसा है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जोड़ के रखता है? एजुकेशन डिपार्टमेंट से जोड़ के रखने का एक चीज ये है, जो मेरा सोच और नजरिया है, कि मनुष्य अपने जीवन भर, अपने जन्म से मृत्यु तक, है ना, वो सीखता है। तो सीखने के लिए मैं इसमें जुड़ा हुआ हूं, और इसमें हर साल मेरे पास नए नए बच्चे, नया नया काम, नया रूल और रेगुलेशन, है ना, ये चीज जो आता है। तो ये क्या है, हमारे जीवन में सीखने का एक नया नया कारण बना हुआ है, और ये मेरे जुड़े रहने का मेन कारण है, ये है ना, कि इसमें मैं भी सीख के जाता हूँ ऐसा। ओके सर। सर, एसोसिएट प्रोफेसर होने के साथ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टूडेंट के टुवर्ड्स, स्टूडेंट के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? स्टूडेंट जो भी अपना एम लेके यूनिवर्सिटी में आया है, है ना, उस एम को उसके अचीवमेंट तक पहुंचाना, है ना, ये मेरा मेन मोटो है, और 24 आवर्स उसके लिए हेल्प के लिए बैठा हूं मैं, ऐसा, है ना। और हो सकता है कि वो अपने जीवन के आगे की भी जो प्लानिंग है ना, उसमें मैं उसका गाइड बन सकूं, यानी निर्देश दे सकूं, ये मेरा मेन वो रहता है। ओके सर, काम के साथ साथ। हाँ ओके सर, आप पढ़ाई के अलावा ऐसी कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाते हैं जिससे मतलब पता लगता है कि बच्चे फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में सबसे पहला एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और वो है गार्डनिंग। यदि गार्डनिंग में हमने एक बच्चे को एक गमला और पौधा दिया है, उसके लगाने से, यानी उसके एक्टिविटीज से ये पता चल जाता है कि ये किस टाइप का अपने 24 आवर्स में काम करने वाला है करके, उसके जिम्मेदारियों का पता चल जाता है कि वो किस प्रकार से जिम्मेदार है, किसी भी काम को वो कैसे करता है, ये। ओके सर, है ना। ओके सर, आपको क्या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है, मतलब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या लगती है रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी की? रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में क्या चीज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? सर, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यूनिवर्सिटी की आपको, यानी यूनिवर्सिटी की प्राथमिकता, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको यूनिवर्सिटी की? हाँ, यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा ये है ना, कि अपना इनका एक काम करने का शैली है, शैली बोलने से एक रोड बना हुआ है, ठीक है, उस रोड में आपको चलना है, आप उस रोड के बारे में जान गए तो आपको काम करना आसान हो जाता है, ये है। दूसरा चीज भाई, जैसे हम लोग हैं भाई, अब मेरे को काम करना है, तो काम करने का तरीका मेरा है, है ना, मेरे को काम दे दिया गया, वो काम करने का तरीका मेरा है, उस तरीके को वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ये तरीका अपना चेंज करो। ओके सर, चेंज मेरे में नहीं है, है ना, चेंज यानी कहीं पर कुछ नहीं है, बस मुझे उसको पकड़ना है, पकड़ने के बाद वो ऑटोमेटिक रन यानी पॉजिटिव आपको दिखने लग जाएगा, ये। ओके सर, तो सबसे अच्छा बात ये है कि अपन यहाँ फ्री होके काम करते हैं सर, ये तो काफी अच्छी बात है सर। सर, आखिरी में आप कोई भी संदेश देना चाहेंगे जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको? जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए संदेश ये है कि भाई, आप उस सब्जेक्ट और उस लाइन को चुन के पढ़ाई करिए, है ना, जो आपके आपको प्रॉपर ये दिख रहा है कि मेरे को आगे चल के इस लाइन में काम करना है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती है, उसको उसके एम से हटाई देती है पूरा, वो कुछ और बनने जा रहा था, कुछ और बनने लग गया,
है ना, कुछ और बनना चाहिए था उसको, वो जाके कुछ और बन गया। तो कई परिस्थितियां ऐसी होती है, लेकिन आपको उस परिस्थितियों को पार करके आपके अपने ही जो एम है उसमें कायम रहना है। तो ये मेन चीज कहना ये है कि एक सब्जेक्ट जो आप पकड़े हैं तो उसका आखिरी लाइन तक आप उसको कंप्लीट पढ़ाई करिए, है ना। जैसे भाई अभी हम देखते हैं ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट होने के बाद में एमए संस्कृत कर लिया, फिर उसके बाद एमए हिंदी कर लिया, उसके बाद में एमए इंग्लिश कर लिया, है ना, उसके बाद में एमए भूगोल कर लिया, लेकिन ना वो जॉब कहीं मिल पा रहा है उसको, ना वो अपने में कहीं संतुष्टि है, और पढ़ा हुआ है। यस सर, ठीक है। जबकि कायदे से क्या है भाई, एक आपका एमए संस्कृत हो गया, अब आप बीएड कर लो, डीएड कर लो, यदि आप पढ़ाई के लाइन में जाना चाहते हो। यस सर। या संस्कृत में आप आगे चल के पीएचडी करो। यस सर। है ना, तो ये आपका लाइन कंप्लीट होता है तो आपको आपका अचीवमेंट मिल जाएगा। ये सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। जी जी, थैंक यू सो मच सर।